बाहर गई थी। देख लीजिए कितनी तेज हवा चल रही है। पता नहीं गूगल पे बहुत सारी चीजें इसके बारे में पढ़ी, तो अब मैंने बेड पे खाना छोड़ दिया। गुड मॉर्निंग, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख रहे हैं कि आज मुझे ताला खोल के घर आना पड़ा है। उसकी वजह यह है कि दोनों ही सदस्य ऑफिस गए हुए थे। मैं मॉर्निंग ड्यूटी से अभी वापस आ रही हूँ और कमल अपने ऑफिस के काम से गए हुए हैं। तो इस तरीके से हमारे आज के दिन की शुरुआत होती है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, ये पानी का बॉटल है जिसमें मैं गर्म पानी लेकर के जा रही हूँ इन दिनों, क्योंकि गले की खराश जो है अभी थोड़ी थोड़ी सी है, तो इसकी वजह से मैं गर्म पानी पी रही हूँ। और हमेशा कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर मैं गर्म पानी ही पीऊँ, तो अभी तो बहुत ज़रूरत है कि आप हल्का हल्का गर्म पानी जो है उसका ही सेवन करें। कपड़े चेंज करते करते मुझे याद आया कि कमल ने मुझे कल ही ये बात कही थी कि तुम ऑफिस से आके खाना खा लेना, क्योंकि मैं शाम को आऊंगा और आते आते बहुत देर हो जाएगी। तो भूख तो लगी हुई थी, मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ कमल का, लेकिन जब अब याद आ गई ये बात तो कपड़ा चेंज कर लिया है। और कितना टाइम हो रहा है ये देखिए, 2:01 हो चुका है, ये देख रहे हैं आप। तो अब भूख जोरों पे है, तो खाना गर्म करती हूँ और खाना खाती हूँ। लाइट जली हुई है पूरे ड्राइंग रूम की, और इसको पहले तो ऑफ कर दूँ मैं सारा, और फिर उसके बाद किचन में चलते हैं, खाना वगैरह देखते हैं कि क्या आज खाना है। सर, मैंने खाना गर्म कर लिया है और आज के खाने में ये है, कल की ये आलू की सब्जी थी और ये आलू मटर मशरूम है, चपाती है और ये थोड़ा सा चावल रखा हुआ है। वो मेरे लिए अगर बच जाता है तो ये चावल मेरा अधिकार है खाने का। सब कहते हैं कि भैया ये तुम्हारा अधिकार है खाने का। इतनी सर्दी में इतनी ज़्यादा, अभी तो टेम्परेचर मैंने चेक किया है तो 14 डिग्री बता रहा है दिल्ली में ठंड पर। उसको महसूस जो कर रहा है वही समझ सकता है कि कितनी ज़्यादा वाली ठंड है। और कपड़े धोना ऐसे मौसम में और फिर उन्हें सूखने देना, उठाना सबसे बड़ा टास्क है। सो के उठ गई हूँ, उठ करके यहीं बैठी हुई हूँ। सिर्फ गई थी 2 मिनट के लिए मोटर चलाने के लिए कि पानी स्टोर हो जाए, ताकि दिन भर में जो काम वाम करे उसमें पानी की कमी ना हो। वो अचानक ही बस वो आधे घंटे के लिए मोटर चलाना होता है, 2 लोगों के लिए पानी बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है। बस यही है, उठ के बैठी हूँ, ध्यान वान किया और अब सोच रही हूँ कि 7 बजे तो उठ के चाय बनाऊँ ताकि कमल को मैं उठा सकूँ। समय देखती हूँ क्योंकि मैं उठी हुई हूँ 4:30 बजे से, अभी देखे 6:30 बज गए, देख रहे। तो आधा घंटा भी और बैठूंगी यहीं पे बैठ करके, बहुत सारी यादों में जाना है मुझे, गुजरे हुए पल, आने वाले साल के लिए क्या क्या तैयारी करनी है। घर में तो कुछ खास तैयारी करनी नहीं है, बच्चे बच्चे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम लोगों की आदत भी नहीं है, घर में ही कुछ कुछ करती रहती हूँ मैं। बाहर जाने की कभी भी आदत नहीं रही है, मुझे आज तक याद नहीं आ रहा है कि शादी के बाद कभी भी हम लोग न्यू ईयर के लिए कहीं बाहर गए होंगे, नहीं बिल्कुल ही नहीं, ना न्यू ईयर ना क्रिसमस। जो होता है घर में बच्चों के साथ, परिवार के साथ ही गुजारना मुझे अच्छा लगता है। और अभी तो फ़िलहाल यहाँ मतलब एकदम नज़दीक में परिवार के नाम पे हम लोग 2 लोग ही हैं, तो हम दोनों लोग ही रहते हैं बैठे हुए, कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं और बैठ के ये ख़ास ख़ास दिन जो है वो निकाल लेते हैं। अभी 3-4 दिन अभी इस साल को गुजरने में बाकी है, 3-4 दिनों में गुजरते हुए कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो सब अच्छा अच्छा हो, ऐसी उम्मीद मैं कर रही हूँ और ऐसा ही मैं करने की कोशिश करूँ। बाबा रे, उठ के आई हूँ, अभी 7:30 बज गए हैं चाय बनाने के लिए मैं,
और कमल को उठाने के लिए। जब इधर आई, बाहर की तरफ आई हूँ, क्योंकि अब मुझे टेरेस गार्डन में जाना था, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा अंदाज़ा लेती हूँ। ज़रा हाल देखिए, कुहासे का देख रहे हैं, मतलब एक मीटर तक भी विजिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कैमरे से तो बहुत कुछ दिख जाता है। तो ज़रा सोचिए क्या हाल होता होगा जो इस टाइम में। हाँ भाई, और उसी के साथ ये भी सोचिए कि मैं जब 5 बजे ऑफिस जाती हूँ और यही हालत होता है, इसमें ड्राइव करना कितना मुश्किल होता है। पर ड्यूटी तो ड्यूटी है, जाना ही है। और पौधों को भी अभी पानी वानी डालना है, और पहले तो अब चाय बना ली है, चाय पीने जा रही हूँ और कमल को भी उठा। और आज छुट्टी कर रही थी तो छत पे मुझे सफाई करनी ही करनी थी पूरी। थोड़े थोड़े जो ये मैंने टाइल्स लगवाया था ना, इसमें हल्का हल्का कहीं कहीं पीला पीला सा जमा हो गया है। मैं रोज़ इसकी सफाई नहीं करती हूँ, जिस दिन मुझे मौका मिलता है उसी दिन अच्छे से इसकी मैं सफाई कर पाती हूँ। बाकी दिन जो है क्लीनिंग के लिए हेल्पर हैं, वही आके साफ़ करती हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि वाकई में इंसान अगर मेहनत से बहुत ज़्यादा अगर रिच हो जाता या फिर उसको बहुत तरक्की मिल जाती, तो हमेशा मैं सोचती हूँ कि इतने लेबर हैं, घर बनता है, कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, हाउस हेल्पर्स हैं, वो इतनी रिच क्यों नहीं हो जाती हैं। एक बार ये मैंने शमी कपूर का एक इंटरव्यू किया था, और उस इंटरव्यू में शमी कपूर जी ने ये कही थी बात कि अगर इंसान का 98% मेहनत होती है ना, और 2% भी अगर उसकी किस्मत का होता है, तो वो 2% जो किस्मत का होता है ना, वही साथ देता है, और तभी इंसान जो तरक्की कर पाता है और उसे सक्सेस मिलती है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल 100% मानती हूँ कि आप कितनी भी मेहनत कर लें, पर अगर किस्मत का 2% भी आपका साथ दे रहा है ना, तो आपको तरक्की करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दें, मेहनत भी करें, पर ये एक चीज़ मेरे हिसाब से, मेरी सोच के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही है। दोनों चीज़ों से मिलके ही आप तरक्की कर सकते हैं, थोड़ा किस्मत हो और ज़्यादा आपकी मेहनत हो। और साथियों, गार्डन की सफाई कर लेने के बाद मैं ऊपर वाले इस कमरे में आ गई जो आकाश का कमरा है, मतलब मेरे बेटे बहू का कमरा है। वहाँ पे फ़िलहाल तो उन्हें आना नहीं है, इसलिए बस इसके चादर वगैरह चेंज होते रहते हैं। कुछ ख़ास इसे डेकोरेट नहीं किया है, पर मुझे मेरा मन कर रहा है कि इस कमरे को अलग तरीके से थोड़ा डेकोरेट किया जाए। फ़िलहाल तो सफाई आज जो वीकली की थी, वीकली क्या, एक महीना हो गया था ऊपर की मतलब डीप डस्टिंग वगैरह नहीं की थी मैंने, तो आज वो सारा किया है और करके कारपेट वगैरह, फ़ोटोग्राफ्स वगैरह जो लगाने थे जहाँ वहाँ लगा दिया। और जब ये सारा कुछ लगा दिया मैंने, तो कर्टन मुझे दिख रहा था कि कर्टन अभी तक नहीं है। कर्टन कुछ दिन पहले ही मैंने उतारा था। चूड़ियाँ लगानी है, यानी कि चूड़ियाँ, ये बहुत पहले जब मैंने ऊपर का ये कंस्ट्रक्शन करवाया था ना, तो पहले वाले पर्दे नहीं होते थे, वो हुक वाले पर्दे होते थे, आपने देखा होगा, ये देख रही है चूड़ियों वाला, तो ये वाली चूड़ियों वाला पर्दा था, कर्टन था। तो मुझे इसे जो अंदर क्लैम्प्स, जो उसको क्या बोलते हैं, गोल्डन या सिल्वर, वो लगा करके आप पर्दे को बनाते हैं, तैयार करते हैं, पता नहीं उसे कुछ कहते हैं, वो लगाने के लिए मैंने बाज़ार से ख़रीदा है। तो वो एक एक चूड़ी मुझे मिली है, बहुत महंगी, कुछ अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, तो वो लगा करके, और ये सारे कर्टेन मैंने धो करके रखे हुए हैं। अब जब उसमें सारी वो चूड़ियाँ लगा लूँगी ना, जैसे ये चूड़ियाँ लगाते हैं कर्टेन में, तो उसके बाद मैं उसे फिर आ करके इसमें लगाऊंगी। और अब वो कर्टन लगाने से पहले मैं अच्छे से इस कमरे को डेकोरेट करूंगी। तो अभी तो डीप क्लीनिंग हो गई है इस कमरे की, और ऐसे ही ये कमरा बहुत टाइम के बाद, मुझे लगता है कि जब डीप क्लीनिंग करनी होती है तभी मैं इस कमरे में आ पाती हूँ। और अब थोड़ी थोड़ी धूप खिल गई है, तकरीबन 11:30 बज चुका है, और अभी तक मैंने शावर नहीं लिया है। अब ये सारा काम मेरा ख़त्म हो गया, 12 बज गए हैं और मैंने 2 बार चाय पी ली है, तो अब मैं चलती हूँ शावर लेने के लिए। ये देखिए, डोर को मैंने क्लोज़ कर दिया है, और ये वाला एक अलग रूम है जो पेंट हाउस की तरह मैंने पूरा ऊपर बनवाया हुआ है, और दूसरा ये एक अलग कमरा है जिसे मैंने आप लोगों को 2 बार अभी तक मैं दिखा चुकी हूँ, ये अलग कमरा है जिसका मैंने मेकओवर किया था। तो ये 2 कमरे हैं, और इसी तरीके से बस सफाई करते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं कि
हमारे बच्चे आएंगे और उनके साथ हम आकर के बैठेंगे, मिलेंगे और इस सर्दी में खिली धूप का आनंद लेंगे।